हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला का पार्ट 3, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तीन फॉर्म में होती है, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और तीसरा स्लोप फॉर्म। तो पहला देखेंगे पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान रहता है। हमने आपको बताया था कोई भी कर्व उसमें एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स वन से रिप्लेस करिए, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन से, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई की जगह पर वाई प्लस वाई वन बाई टू से, एक्स वाई की जगह पर एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू और कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट में। जो भी क्वेश्चन में कर्व दी गई होगी उस पर जो पॉइंट दिया गया होगा एक्स वन वाई वन, उस पर अगर टेंजेंट खींचना है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाना होगा। जैसे ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, एक्स वन वाई वन इस कर्व पर है, अब टेंजेंट खींचना है इस पॉइंट पर, तो कैसे होगा? वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई वाई वन से, फिर फोर ए एक्स पर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। कुछ भी चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा वाई वाई वन इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस एक्स वन। हो गई टेंजेंट की क्वेश्चन। कोई भी पैराबोला हो, कोई भी सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाने होंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की क्वेश्चन को हम याद रखते हैं, ठीक है। कैसे? पैराबोला है, अगर एक याद रखो तो बाकी सब अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आपको केवल ये दो पर फोकस करने, बाकी सब आप कोई भी कर्व हो आप ज्यादातर इसको ही फोकस करना, बाकी सब आप खुद ही निकाल लेंगे। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? पैरामेट्रिक फॉर्म, आपको पॉइंट पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, at स्क्वायर कॉमा 280। इक्वेशन क्या हो जाएगी? ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। देखो यार भाई, y1 की जगह पर कितना रख दिया 280, तो y into 280 इज इक्वल टू 2a x, x1 की जगह पर at स्क्वायर, 2a से 2a गया, ty इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, ये याद रखिए बस, ठीक है, बाकी अपने आप सब बन जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, पैरामेट्रिक पॉइंट एटी स्क्वायर कॉमा 280, टेंजेंट इक्वेशन टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, इससे इसमें आना है। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में जब इससे इसमें आते हैं ना, तो एक्स पर माइनस एक्स आता है, तो यही क्वेश्चन बस एक्स पर माइनस एक्स आ जाएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट में यहाँ माइनस आता है, आपको पता ही, पहले बता चुका हूँ मैं। तो इसकी क्वेश्चन क्या हो जाएगी? टी वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस एटी स्क्वायर। इस फॉर्म में आना है तो देखिए इससे इसमें आने के लिए क्या किया, एक्स वाई इंटरचेंज, यहां पर भी एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया, इतना आ गया टी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एटी स्क्वायर। इससे इसमें आना है तो वाई की जगह पर माइनस वाई, ये वाली क्वेश्चन बनाई थी आपने, ये वाली बनाई थी टी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एटी स्क्वायर, इससे इसमें आएंगे तो वाई की जगह पर माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर लिखा होता वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस अल्फा, तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता, अल्फा प्लस एटी स्क्वायर कॉमा बीटा प्लस 280। टेंजेंट फॉर्म में देखिए वाई की जगह पर ये वाई माइनस बीटा रहते हैं ना, एक्स जगह पर एक्स माइनस अल्फा रहते हैं, यहाँ पर पूरी क्वेश्चन यही बन जाएगी। याद केवल ये वाला रख लो यार, ये वाला, ये याद रखोगे ना बाकी अपने आप सब बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ टेंजेंट एट पॉइंट पी 2,4 टू द पैराबोला, पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इस पर एक पॉइंट है पी 2,4, सेटिस्फाई भी कर रहा है इसलिए है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, ओके। खैर टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होगी, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, यानी 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8, एक्स यहाँ पर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, चार से इसको कैंसिल किया, दो दो से कैंसिल हुआ, यानी कितना आ गया ये वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। मीट द पैराबोला दिस, ये जो टेंजेंट है वो दूसरे पैराबोला को, ये दूसरा पैराबोला है, कितना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 5 को, यही टेंजेंट, ये की टेंजेंट है Q और R पर मिल रहा है, ये टेंजेंट क्या है y is equal to x plus 2, ठीक है। उसका ये मिड पॉइंट चाहते हैं Q and R, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ Q R, ये मिड पॉइंट मान लेते हैं, मिड पॉइंट जो भी आता है ये इसको मैंने माना, ये है देखो, इस पर एक पॉइंट अगर माना तो कैसे मानूंगा, मैंने y वाला पहले माना, थोड़ा आसान मानने के लिए मैंने माना ये y1, ठीक है। अगर x क्वाड्रेंट इसका y1 है तो, सॉरी y क्वाड्रेंट इसका y1 है तो x क्वाड्रेंट कितना होगा, ये उठ के इधर 8 से डिवाइड हुआ तो y1 स्क्वायर माइनस 5 बाय 8, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट कितना आएगा, मैंने माना y2, तो y2 5 उठ के इधर गया, 8 से डिवाइड किया तो y2 का स्क्वायर माइनस 5 बाय 8। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना होगा भाई, this plus this by 2, यानी कितना y1 square plus y2 square minus 10 by 8 divided by 2, यानी y1 square
माइनस प्लस वाई टू स्क्वायर माइनस टेन डिवाइडेड बाय 16 एंड दिस प्लस दिस बाय टू यानी वाई वन प्लस वाई टू बाय टू। ओके, अब उसके बाद हमने कहा कि भाई इस लाइन को उठा करके इस बना दिया क्यों वाई निकाल लेते हैं, तो इसको उठा के इधर ले गए वाई के एक्स की जगह रख दिया, कितना हो जाएगा ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट, एक्स की जगह रख दिया वाई माइनस टू प्लस फाइव, इन दोनों को उठा के इधर ले गए वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस कर दिया इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब वाई वन वाई टू इसके रूट्स होंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो वाई वन वाई टू निकालने के लिए मैंने क्या किया कि भाई इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो वाई कितना होगा एट प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 44 बाई टू ए इज वन, कितना आ गया भाई ये 64 में से 44 यानी 20, 20 यानी 2 रूट 5, 2 से डिवाइड यानी कितना 4 प्लस माइनस रूट 5, यानी ए वाई वन आ गया, अगर माना मैंने कि ये 4 प्लस रूट 5 है तो वाई टू आ जाएगा कितना 4 माइनस रूट 5। अच्छा वाई वन स्क्वायर कितना होगा भाई, इसका स्क्वायर खोला 16 5 21 प्लस 8 रूट 5 एंड वाई टू स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 21 माइनस 8 रूट 5। तो जरा से ये पॉइंट निकाल दो भाई जल्दी से, अब कितना आ गया ये पॉइंट y1 plus y2 वो तो यहीं से निकल सकता है, सम ऑफ रूट्स कितना जाएगा प्लस का 8 by 2 यानी 4। अच्छा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इन दोनों का सम करें तो दोनों कैंसिल ये हो गया, इससे ऐड होकर के 42 माइनस 10 यानी 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2। अरे ये तो पॉइंट पी आ गया, आने दो क्या प्रॉब्लम है, Q और R का मिड पॉइंट P ही आ गया, मतलब ये पैराबोला ऐसे होगा और वो Q और R पकड़कर उसका मिड पॉइंट यही होगा। ठीक है, यानी अल्टीमेटली जो मिड पॉइंट निकाला तो कितना आ गया है 2,4। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, एट एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला दिस, ठीक है इन दोनों को उठा के उधर ले गए इधर प्लस वन कर दिया तो कितना बन जाएगा ये उठ के इधर गया 4x माइनस 5 प्लस 1 कर दिया इधर तो ये बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये उठ के इधर गया था प्लस वन इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि इधर भी किया है तो कितना हो जाएगा ये 4x माइनस 4 4 कॉमन ले लिया तो ये पैराबोला वर्टेक्स 1,1 एक्सेस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड किया तो 1 एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 2,0 हमारा 2,1 हमारा हो जाएगा फोकस, इससे एक कदम पीछे आएंगे तो मिल जाएगा का कितना डायरेक्ट्रिक्स, एक पहले से था एक कदम पीछे आया तो 0,1। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया y एक्सिस ही हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ओके, अब टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी ड्रॉन व्हिच मीट्स डायरेक्ट्रिक्स एट q। देखिए भाई एक पॉइंट है मान लीजिए p, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर मानते तो क्या होता a अल्फा प्लस 8t स्क्वायर, a कितना है 1 अल्फा प्लस 8t स्क्वायर कॉमा बीटा प्लस 280 a है 1 280, यहां पर खींचिए भैया एक टेंजेंट जो कि डायरेक्ट्रिक्स को मिल रही है q पर। अब भाई डायरेक्ट्रिक्स को q पर मिल रही तो इसका x क्वाड्रेंट तो 0 होने वाला है, y पता करते तो y पता करने के लिए हमने क्या किया पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन खींची, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी इस वाले फॉर्मूले के लिए याद करो मैंने क्या बताया था ty माइनस अल बीटा इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, a है 1 t स्क्वायर। ठीक है, t से डिवाइड कर दिया या ऐसे ही छोड़ दिया, अभी तो x को अगर 0 रख दिया तो बन गया t स्क्वायर माइनस 1, t से डिवाइड 1 उठ के इधर तो ये हो गया ये 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 बाय t। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट r, एक पॉइंट r है व्हिच डिवाइड्स qp एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। अब qp को एक्सटर्नली या तो इधर या तो इधर, अब देखो qp मतलब ये qp यानी q से p, Q से डिस्टेंस कितनी है 1 टाइम्स इन कंपेयर टू P से, मतलब पॉइंट कहां पर होगा इधर होगा यहां पर, ये पॉइंट मान लिया कहीं R है। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस यहां से अगर मान लिया लैम्डा है तो P से कितनी आएगी 2 लैम्डा, तभी रेशियो आएगा कितना 1:2 का। अच्छा देखो ये है लैम्डा और ये है 2 लैम्डा, मतलब ये लैम्डा और ये भी लैम्डा, मतलब ये Q क्या हो गया उसका मिड पॉइंट हो गया, Q क्या हो गया उसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, हमसे पूछा गया भाई फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट आर, इसका लोकस बताना, तो इसको तुरंत मान लिया एच कॉमा के। ठीक है, जिसका लोकस मानना होता है उसको तुरंत एच कॉमा के मान लेते हैं।
अच्छा इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है क्यू, तो बताना यार क्यू का एक्स क्वाड्रेंट जो कि है 0 एच प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, यानी ये उठ के धरा गया एच प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर हो गया 0। क्यू का एक्स वाई क्वाड्रेंट 1 प्लस टी माइनस 1 बाई टी, ठीक है 1 प्लस इससे डिवाइड किया तो t माइनस 1 बाई टी, इसका कितना आएगा भाई k प्लस 1 प्लस 2t बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा 2 प्लस 2t माइनस 2 बाई टी इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 2t, 2t से ये 2t गया 1 उठ के धरा गया कितना हो गया ये 1 माइनस 2 बाई टी इज इक्वल टू k। यहां से शायद ऊपर वाले देखिए यहां से t निकालते हैं उठा के यहां रख देते हैं कितना गया भाई ये उठ के इधर ये उठ के इधर यानी कितना हो गया 2 by t is equal to 1 minus k यानी t बराबर 2 upon 1 minus k, t की वैल्यू यहां उठा के यहां रख दिया तो h plus 1 plus t square यानी 4 upon 1 minus k का whole square equal to 0। अब क्या करेंगे पूरी क्वेश्चन h की और कांस्टेंट आ चुकी है h के ऊपर x k के ऊपर y से रिप्लेस कर देंगे कितना हो जाएगा x plus 1 plus 4 upon 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई क्या आर का लोकस। ओके अब देखिए स्लो फॉर्म, ठीक है स्लो फॉर्म देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोगों ने बताया था टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था इसका ए टी स्क्वायर कॉमा 280, जरा टी से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 1 बाई टी एक्स प्लस ए टी, इसको कंपेयर करिए आप y is equal to mx plus c से, ठीक है तो mx plus c से कंपेयर करेंगे तो 1 by t बराबर कितना आ जाएगा 1 by t बराबर जाएगा m, ठीक है तो भाई यहां पर t की जगह कितना आ जाएगा ये t यानी कितना 1 by m, बस यहां पर देखिए 1 by t की जगह पर m आ गया और t की जगह फिर कितना रख देंगे 1 by m, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y is equal to mx plus c की जगह कितना आ जाएगा at at यानी 1 by m यानी कितना हो गया a by m, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y is equal to mx plus a by m। अच्छा point of contact बस ये देखिए ये t की जगह कितना रहती है 1 by m तो point हो जाएगा कितना a by m square comma 2 a by m। ओके तो देखिए ध्यान दीजिए अगर y square is equal to 4 ax है तो इसका equation of tangent क्या होगी in slow form y is equal to mx plus a by m point of contact होगा a by m square comma 2 a by m। अब एक को याद रखिए बस बाकी सब अपने आप बना देंगे, इससे बस ध्यान क्या रखना है जब इससे इसमें आएंगे तब यहां पर एक ही जगह पर माइनस एस रिप्ले होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स जगह पर माइनस एक्स करते थे इससे इसमें आते थे तब, लेकिन स्लो फॉर्म में बस चेंज यहां पर इससे इसमें आने के लिए एक जगह पर माइनस एस रिप्लेस करेंगे, तो बस यही क्वेश्चन है कि बस एक जगह पर माइनस है, ठीक है और यहां पर भी एक जगह पर माइनस है यानी कितना हो गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम, ये हो गया टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट माइनस का ए बाई एम स्क्वायर कॉमा माइनस का टू ए बाई एम, इस तरह से अगर इस ये वाला फॉर्म देखना है तो देखिए एक्स वाई को इंटरचेंज, तो यहां पर भी एक्स वाई को इंटरचेंज x is equal to my plus a by m point of contact इन दोनों को इंटरचेंज 2a by m comma a by m square, इससे इसमें आना है तो एक जगह पर माइनस है एक जगह पर माइनस है एक जगह पर माइनस है, ये वाला फॉर्मेट में देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है बस यहां पर y की जगह पर y minus beta आ जाएगा और ये यहां पर x की जगह पर x minus alpha आ जाएगा वही फॉर्मेट, ठीक है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ जाएगा भाई पहले क्या था x पहले क्या था x वाला कितना था a by m square x minus alpha बराबर a by m square alpha उठ के चला गया तो alpha plus a by m square, इस तरह से y minus beta बराबर 2 a by m beta उठ के उधर गया तो beta plus 2 a by m। ओके क्वेश्चन है the locus of point a point of intersection of tangent to the parabola this and this which are perpendicular to each other, देखिए इस पर एक tangent खींची इस पर एक tangent खींची, ठीक है वो दोनों tangents आपस में perpendicular जहां पर intersect कर रही होंगे, ठीक है वो उन पॉइंट्स का लोकस बताना है, तो देखिए हमने माना कि भाई इसकी टेंजेंट अगर खींचे स्लोप m पर तो y is equal to कितना आ जाएगा m x जगह पर x plus 1 plus a by m a है 1 by m, इसकी टेंजेंट इसका स्लोप मान लेते हैं m dash तो y is equal to m dash x जगह पर x plus 2 plus a by m a कितना इसका 2 by m dash, ठीक है अच्छा दोनों स्लोप दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर तो दो m और m डैश का प्रोडक्ट कितना होगा m और m डैश का प्रोडक्ट होगा -1 m और m डैश का प्रोडक्ट कितना होगा -1, ठीक है
फिर उसके बाद m डैश की वैल्यू उठा करके माइनस वन बाई एम यहां रख देंगे, तो कितना जाएगा ये y इज इक्वल टू माइनस का वन बाई एम डैश सॉरी m x एंड टू बाई टू m डैश, m डैश कितना है माइनस वन बाई एम, टू बाई एम माइनस m डैश यानी टू m, ठीक है। अच्छा इसी तरह से ये वाली क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना m प्लस वन बाई एम, ठीक है। अब हमें उस पॉइंट का लोकस बताना जो दोनों को भाई दोनों को सेटिस्फाई करेगा यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो h दोनों में h जगह पर x, k जगह पर y रख देते हैं, तो कितना जाएगा k इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम एच माइनस टाइम्स टू एम प्लस वन बाई एम, और ये k इज इक्वल टू एम एच प्लस एम एम प्लस वन बाई एम, दोनों को हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, ये तो कैंसिल, इसमें से माइनस का एच कॉमन ले लिया तो बचा एम प्लस वन बाई एम, और ये हो गया माइनस थ्री एम प्लस वन बाई एम, एम प्लस वन बाई एम दोनों से कॉमन डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया जीरो इज इक्वल टू माइनस एच माइनस थ्री। अब एच जब एक्स की जब वाई से प्लस कर दिया दोनों को उठा के धर ले गए तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, x plus 3 equal to 0, third option, ठीक है। बात करते हैं pair of tangents की, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था pair of tangent की joint equation क्या होती है, s1 is equal to t square, एक बाहरी point से curve पर जो हम tangents draw करते हैं, ठीक है। तो PA और ये PB जो दो tangent है, उनकी जो joint equation होती है, वो क्या होती है s1 is equal to t square, जहाँ पर s क्या होता है curve की equation, y square is equal to 4ax है, उसको उठा के धर लिया है, तो s बराबर हो जाएगा y square is equal to minus 4ax। S1 क्या होता है इस बाहरी पॉइंट को इस इक्वेशन में रखने पर जो वैल्यू आ जाए, ठीक है। और T क्या होता है, T होता है इस बाहरी पॉइंट को कर्व पर मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन, y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे y by 1 से माइनस का 4a, x से रिप्लेस कर देंगे x plus x1 by 2 से, कुछ और होता तो आप वैसे रिप्लेस कर देते, ठीक है। आप इसकी वैल्यू यहां इसकी वैल्यू यहां इसकी वैल्यू यहां रखिए, सॉल्व करिए तो एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन बनेगी जो कि इन दोनों लाइनों की जॉइंट इक्वेशन। कुछ लोग हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल, अगर मैं बोलूं कि एंगल अल्फा है तो एंगल अल्फा होगा कितना, तो हम कहेंगे देखिए इन दो s1 = t2 से क्या होगा, दोनों लाइनों की जॉइंट इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो हम जनरल जॉइंट इक्वेशन ऐसे जनरल लाइन जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऐसे मान लेते हैं, दो लाइनों की जॉइंट इक्वेशन ऐसे मान लेते हैं ax2 + 2hxy by2 + 2gx + 2fy + c = 0, भाई इन दोनों भाई s1 = t स्क्वायर से लगा करके मान ले ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशन आती है। अब देखिए ये दो दो जॉइंट इक्वेशन है दो लाइनों की, बस यहां पर फोकस करिए tan अल्फा कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, जो हम लोग पेयर ऑफ लाइंस में लगा रहे थे ना फार्मूला वही लगेगा बिल्कुल, क्योंकि ये भी तो पेयर ऑफ लाइंस ही है ना, ओके। अच्छा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये AB, AB की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब जब बाहरी पॉइंट से हम टेंजेंट खींचते हैं तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है t इक्वल टू जीरो, मतलब इस बाहरी पॉइंट को अगर कर्व पर मानते हुए अगर हम टेंजेंट इक्वेशन खींचेंगे और उसको इक्वल टू जीरो करा देंगे तो एक्चुअली में इक्वेशन किसकी निकलती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट गिवन, अगर हमें मान लीजिए पैराबोला हो इलिप्स हो हाइपरबोला, शायद मैंने सर्कल में नहीं बताया था, सर्कल हो कोई भी हो कोई भी कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट आपको दिया गया x1 कॉमा y1, कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट दिया गया x1 कॉमा y1, इस तरह से इलिप्स भी हो सकता है, तो उस कॉर्ड की क्वेश्चन क्या होगी t इज इक्वल टू s1, t क्या होगा इस पॉइंट को इस कर्व पर मानते हुए टेंजेंट की क्वेश्चन, और x1 क्या होगा इस पॉइंट को उठा के इस कर्व में रख दो, इस पॉइंट को उठा के इस कर्व में रख दो तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए वो, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो चाहे सर्कल हो चाहे पैराबोला हो उस कॉर्ड की क्वेश्चन जिसका मिड पॉइंट दिया गया तो क्या लगाएंगे t is equal to s1, t क्या होगा मिड पॉइंट को कर्व मानते कॉर्ड के मिड पॉइंट को कर्व मानते हुए टेंजेंट की क्वेश्चन, s1 क्या होगा उस मिड पॉइंट को कर्व में जो रख देंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो, ठीक है। हमारे सामने दो क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे नीचे लेवल देखते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम विच पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द पैराबोला दिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। देखिए इस पैराबोला पर एक पॉइंट पी से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बीच का एंगल है 45। देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो बेसिकली क्या बनेगा लाइन, उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला देखो यार एंगल कैसे दोनों के पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन बनेगी, उसमें एंगल का फॉर्मूला आपको पता है tan थीटा बराबर कितना होता है
टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. एच इज द कोफिशियंट ऑफ इज वॉट हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई. ए इज वॉट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बी इज द कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर. ठीक है. अच्छा टी हमने मान लिया यहां पर अल्फा कॉमा बीटा है जिसका लोकस निकालना है. ठीक है. वैसे तो एच कॉमा के मानते हैं लेकिन एच वर्ड यहां पर आ रहा है इसलिए मैंने यहां पर एच ना मान करके अल्फा और बीटा ले लिया है. ठीक है. अब इस पॉइंट से हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं. एस क्या होगा भाई. एस है वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स. ठीक है. एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर. एस है ये वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स. एस वन क्या होगा इस पॉइंट को उठाकर इसमें रख दीजिए बीटा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा. टी क्या होगा इस पॉइंट को इस कर्व पर मानते हुए टेंजेंट इक्वेशन. y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे बीटा y से माइनस फोर x यहां पर आ जाएगा x प्लस अल्फा बाय टू. टू से इसको कैंसिल किया तो 2x माइनस 2 अल्फा. ठीक है. जरा इसका ये से मल्टीप्लाई कितना हो गया ये बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा y स्क्वायर. माइनस का 4x मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा x. यानी इसका स्क्वायर खोल दो यार बीटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर फिर उसके बाद 2 टाइम्स माइनस का 4 बीटा एक्स वाई प्लस 8 अल्फा एक्स माइनस का 4 अल्फा बीटा वाई. देखिए हमें केवल इंटरेस्टेड है किसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई में तो बाकी सब क्या आ रहा है हमें कोई मतलब नहीं है. देखिए बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको उठा के धर ले गए इन सबको उठा के धर ले गए लेकिन हमारा मेन फोकस किस पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई. तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला इधर नहीं है ये उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 4 अल्फा वाई स्क्वायर एंड ये है माइनस का 4 बीटा एक्स वाई और बाकी सब कुछ आए होंगे. ठीक है. हमें मतलब ही नहीं है. अब हमने देखा कि भाई एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है 4 यानी ए हो गया 4. वाई स्क्वायर क्वेश्चन कितना है 4 अल्फा यानी बी हो गया कितना 4 अल्फा एंड एक्स वाई क्वेश्चन कितना है माइनस का 4 बीटा जो कि हमारा एच कितना हो जाएगा हाफ इसका तो यानी कितना हो जाएगा माइनस का 2h. रख दो भाई 1045 क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है 45 है ये तो 1 होता है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर. एच यानी कोफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यानी माइनस का 2 बीटा माइनस ए बी. ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 16 अल्फा अपॉन ये हो गया कितना 4 और प्लस 4 अल्फा. ठीक है. इससे से कैंसिल किया 2 प्लस 2 अल्फा उठ के इधर आ गया 2 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 4 बीटा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा. ठीक है. दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे इससे 2 कॉमन ले लो तो कितना हो गया 4 1 प्लस अल्फा स्क्वायर किया तो ये 4 बीटा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस ये स्क्वायर होगा. इसका स्क्वायरिंग भी खोल दिया 4 से डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर खोल दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ये बचा है बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा. 4 अल्फा को उठा के इधर लेके एच जगह पर एक्स के जगह वाई से रिप्लेस कर दिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू दिस. ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड लोकस. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. इफ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द पैराबोला दिस. एक पॉइंट पी है जहां से हम क्या कर रहे हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगा भाई जब पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है टी इक्वल टू 0. मैंने पी को मान लिया कि पी है हमारे पास एच कॉमा के. अच्छा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगा टी इक्वल टू 0 यानी इस पॉइंट को इस कर्व पर मानते हुए टेंजेंट की क्वेश्चन कितनी हो जाएगी भाई के वाई माइनस 4 ए एक्स प्लस एच बाई 2 इक्वल टू 0 इससे इसको डिवाइड किया. ठीक है. कितना हो जाएगा माइनस का 2 ए उठ के इधर गया के से डिवाइड कर दे तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 2 ए बाई के एक्स प्लस एच. ठीक है. और उसके बाद ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टचेस द पैराबोला दिस ये जो है ये इसको टच कर रहा है. तो देखिए दो कर्व के टच करते कंडीशन कैसे निकालते हैं. एक कर्व की क्वेश्चन को उठा के दूसरे कर्व में रखते हैं एक सिंगल वेरिएबल की सेकंड डिग्री क्वेश्चन बनाते हैं उसके बाद उसका डी इक्वल टू 0 कराते हैं मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 कराते हैं. ठीक है.
चलिए हम वही कहते हैं, इसको उठा करके फर्स्ट में रखा, कितना हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, y की जगह पर, y की जगह पर 2a by k x plus h, ठीक है। ये दोनों इधर आ गए, x स्क्वायर माइनस 8ab अपॉन k, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस का 8abh by k, इसका क्या करा देंगे d0, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। d0 करो भाई तो कितना जाएगा 64a स्क्वायर b स्क्वायर by k स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस का 4ab, 4a is this, b is this, 4 a है 1, c है माइनस का 8 abh by k, ठीक है। मैंने अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया k स्क्वायर by 32 ए बी से, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो कितना बचेगा 2 ए बी माइनस आ गया की एच की, ठीक है। अब एच की जगह पर एक्स और के की जगह पर वाई से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पूरी क्वेश्चन एच के कॉन्स्टेंट में आ गई है। अब मैं एच की जगह पर एक्स और के की जगह वाई से रिप्लेस करूं तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2 ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कॉमन टेंजेंट, देखिए कॉमन टेंजेंट जो है इस पर एक क्वेश्चन आप लोगों को पक्का आप जे मेन में मिलेगा, एडवांस में मिलेगा, बिट सेट में मिलेगा, हर एक एग्जाम में आपको कम से कम मिलेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। करना कैसे होता है, आपको दो कर्व के पीछे कॉमन टेंजेंट पूछी जाएगी, ठीक है। तो उसको करने के दो मेथड है, आप पहले तो एक में देखिए भाई कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों के लिए टेंजेंट हो, तो आप करिएगा इन दोनों किसी एक कर्व के रिस्पेक्ट में टेंजेंट के क्वेश्चन खींच दीजिए, ठीक है। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप स्लो फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में खींचें, क्योंकि उसमें वेरिएबल केवल एक रहता है। मान लीजिए मैंने स्लो फॉर्म में टेंजेंट खींची तो क्या आएगा, y is equal to mx plus c, c भी कुछ m का ही फंक्शन होगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद इस भाई ये टेंजेंट है, इसकी क्वेश्चन को उठा इसको इसको बोलते हैं कि इसको भी टच कर रहा है, यानी कॉमन टेंजेंट है। तो भाई ये अब कंडीशन है कि इसके इसके टच होने की, तो कैसे करेंगे, इसको उठा के इसके अंदर रखेंगे, एक सिंगल वेरिएबल की सेकंड डिग्री क्वेश्चन बनाएंगे, फिर बाद में उसका डी जीरो करा देंगे। जब डी जीरो कराएंगे तो केवल एक वेरिएबल बचेगा हमारे पास, क्या m, जो कि यहां से सॉल्व हो जाएगा। जब m आ जाएगा उसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब m की इस वैल्यू के लिए ये जो लाइनें बनी है एक या एक से ज्यादा वो सारी लाइनें क्या होंगी, दोनों कर्व के लिए टेंजेंट होंगी, ठीक है। अच्छा कई बार होता है कि हमें स्लो फॉर्म में टेंजेंट याद नहीं होता है ना पैरामेट्रिक फॉर्म में याद होता है, तब हमारे पास करने का ऑप्शन क्या होता है, इस पॉइंट को एक मान लेते हैं कि ये पॉइंट है x1, y1, जो पहले कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं y1 is equal to f of x1, ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास x1 और y1 दो वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, बाय इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट कीजिए, मान लीजिए कुछ ऐसा आता है टेंजेंट y is equal to y is equal to alpha x1 comma y1 x y1 x plus c जो है c भी है जो आ रहा है वो x1 comma y1 का फंक्शन आ रहा है, इसको उठा करके ये इक्वेशन को उठा करके इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। फिर उसका एक सिंगल वेरिएबल की सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाएगी, x1 y1 तो इस कर्व पर है ना, अच्छा उसको उसके इसमें रखेंगे सिंगल वेरिएबल की सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद उसका d0 करा देंगे, तो d0 करा देंगे तो x1 y1 में एक और इक्वेशन यहां से आ जाएगी, ये क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करके x और y पता कर लेंगे, जब x और y पता कर लेंगे तो x और y इसमें रखेंगे तो अलग अलग भाई अगर एक से ज्यादा पेयर बन रहे हो तो अलग अलग वो टेंजेंट्स बन जाएंगी जो कि इन दोनों कर्व को क्या कर रहे होंगे टच कर रहे होंगे, यानी कॉमन टेंजेंट होगी, ठीक है। बस अगर स्लो फॉर्म में करते हो ना आप तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है कि जल्दी होता है, क्योंकि इसमें एक ही काम करना होता है डी इक्वल टू जीरो करना होता है। अब देखो क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व्स दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये पैराबोला दिख रहा है, ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया, स्लो फॉर्म में टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ए कितना है इसका 2 बाई एम, मान लिया कि कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। तो भाई इसको उठा करके ये टेंजेंट इसकी भी होगी, तो इसको उठा करके इस भाई कंडीशन अगर ये इसकी टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगेगी, तो इसको उठा करके इसमें रखेंगे, सिंगल वेरिएबल की सेकंड डिग्री इक्वेशन बनाएंगे, एम एक्स प्लस 2 बाई एम इज इक्वल टू माइनस 1, ये से प्रोडक्ट, ये उठ के इधर आ गया एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 by mx प्लस 1 इक्वल टू 0। अब d 0 करा दो, अब d 0 करा दो भाई जरा सा, b स्क्वायर यानी 4 by m स्क्वायर माइनस 4 a is m
एंड सी इज 1 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, m स्क्वायर बाय 4 से, तो कितना जाएगा ये 1 माइनस m क्यूब इक्वल टू 0, यानी m आ गया यहां से 1, m 1 आ गया, तो भाई m वो m की 1 वैल्यू के लिए ये लाइन जो है वो इसको इसको दोनों को टच कर रही होगी, ठीक है। देखिए इस ये जो लाइन है वो m के अलग-अलग वैल्यू इसको तो टच करेगी, लेकिन वो उसमें m कितना होगा वो इसको टच कर जाए, तो m कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी y is equal to कितना x plus 2 by 1, यानी y is equal to x plus 2, ये हो गया कॉमन टेंजेंट। देखिए मैं इसमें एक एग्जांपल कर रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि अभी खत्म हो गया कॉमन टेंजेंट, इस पर मैं इन समय क्वेश्चन कराऊंगा, हाइपरबोला में क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही रखता हूं, बाकी सब कुछ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके चलते हैं, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सब में, बाय बाय।